अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बाइक की फ्यूल माइलेज को लेकर यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ओल्ड मॉडल की जो हमारी बाइक थी, इसमें हमने न्यू मॉडल का जो एयर फिल्टर है उसको इंस्टॉल किया था जाली वाला। और जस्ट उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि हमारी जो बाइक है मिसिंग वगैरह नहीं कर रही, हमने फिल्टर को चेंज किया था ओल्ड मॉडल बाइक में न्यू मॉडल का लगाया और हमें जो है वो मिसिंग वगैरह बाइक नहीं कर रही थी, नॉर्मली चल रही थी। लेकिन कुछ अर्सा मैंने बाइक चलाई, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक और वीडियो शूट की जिसमें मैंने हाई ऑक्टेन वर्सेस नॉर्मल पेट्रोल जो है उस पर मैंने फ्यूल माइलेज को टेस्ट किया। तो अब हुआ क्या कि उसमें मैं नॉर्मल पेट्रोल के साथ हमारी जो बाइक है इसने मुझे दिया 64 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि मेरी जो बाइक थी वो 55 लेकर 58 किलोमीटर मैक्सिमम जो है वो देती थी पर लीटर एवरेज। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज भी था, हैरान था, मैंने कहा ये हुआ कैसे, क्योंकि मैंने ट्यूनिंग वगैरह तो की नहीं है बाइक की। फिर मेरे जहन में आया कि मैंने शायद जो जाली वाला फिल्टर है वो अपनी बाइक यानी कि ओल्ड मॉडल बाइक में पिछला जो फिल्टर है बगैर जाली का वो उतार के मैंने जो जाली वाला लगाया है शायद उसकी वजह से हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैं घर आया, मैंने बाइक में का जो फिल्टर है ना जाली वाला न्यू मॉडल का वो उतार कर मैंने ओल्ड मॉडल का मैंने दोबारा लगा दिया और फिर मैंने माइलेज चेक की। तो हुआ क्या कि फिर मुझे दोबारा वही 55 किलोमीटर जो है वो पर लीटर एवरेज दी। तो यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया, मैंने कहा कि शायद मुझे ये जाली वाला फिल्टर लगाने से ही मिली। फिर मैंने अपनी बाइक का जो पुराना फिल्टर था वो उतार के मैंने दोबारा जाली वाला है वो मैंने लगाया, तो दोबारा मुझे 64 किलोमीटर जो है वो पर लीटर बाइक ने दिया। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया कि अगर आप अपनी बाइक के जो ओल्ड मॉडल है उसमें आप न्यू मॉडल का, अच्छा नुकसान भी हुआ वो मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या हुआ, नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ। अगर आप अपनी बाइक में ओल्ड मॉडल बाइक है और आप उसमें जो बगैर जाली वाला फिल्टर है वो उतार के आप जाली वाला न्यू मॉडल का लगाते हैं फिल्टर, तो आपको एवरेज में डेफिनेटली जो फर्क है वो देखने को मिलेगा। मैंने दो दो तीन दिन दफा इसको चेक किया है, ठीक है, प्रॉपर मैंने इसको ट्राई करके फिर मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाई ऑक्टेन की वीडियो बनाई, मैं काफी हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या मेरी बाइक तो 55 किलोमीटर देती है। तो उस वीडियो में हमने हाई ऑक्टेन वर्सेस नॉर्मल पेट्रोल चेक किया, तो नॉर्मल पेट्रोल पे भी मुझे 64 किलोमीटर दे रही थी जबकि पहले मुझे देती थी पुराने फिल्टर के साथ 55 का, तो जाली वाले के साथ उसने दिया 64। तो यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होगी कि हमारी बाइक जो अगर ओल्ड मॉडल है उसमें हम न्यू मॉडल का फिल्टर लगाते हैं तो आपको जो इसके फ्यूल माइलेज है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके बरक्स नुकसान सिर्फ मुझे ये हुआ कि मेरी जो बाइक है वो 0 to 60 तक जो उसकी स्पीड है वो पकड़ने में इसको टाइम लगता था, ओल्ड मॉडल का जो फिल्टर है वो लगाने से 12 सेकंड लगते थे, ठीक है, मैक्सिमम 12 सेकंड जो है वो लगते थे। अब न्यू मॉडल का लगाने से फिल्टर जाली वाला लगाने से मुझे एवरेज तो काफ़ी अच्छी मिली, लेकिन मेरी बाइक 15 to 16 सेकंड लगाती है 0 to 60 तक पहुंचने में। अच्छा टॉप स्पीड में फर्क नहीं पड़ा, जस्ट जो एक पिक होती है ना बाइक हाथ से निकलती है, बस उससे थोड़ा सा कंप्रोमाइज अगर आप करेंगे ना आपकी जो बाइक की एवरेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, बस पिक में थोड़ा सा फर्क आएगा लेकिन ना गियर छोटे होंगे ना आपकी जो बाइक है वो उसकी टॉप स्पीड घटेगी, जस्ट पिक थोड़ी सी अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो न्यू मॉडल का फिल्टर जाली वाला लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी एवरेज देखने को मिलेगी। ये बात मैंने खुद नोटिस की है क्योंकि मैंने बाद में जब वीडियो बनाई मेरे जहन में नहीं था, मुझे तो पता था कि मेरी जो बाइक है वो 55 किलोमीटर करती है 1 लीटर में, जब मैंने वो वीडियो बनाई उसमें मैंने लगाया हुआ था न्यू मॉडल का फिल्टर जाली वाला, तो मैं खुद हैरान हुआ कि 64 इसने कैसे दिए हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उस वक्त वीडियो बना दी, नहीं, मैं घर आया मैंने दोबारा ओल्ड मॉडल का लगाया उसमें जो फिल्टर है और मैंने चेक किया तो मुझे वो 55 किलोमीटर दे रही है, फिर मैंने वो उतार के न्यू मॉडल का जाली वाला लगाया तो मुझे दोबारा उसने मुझे 64 किलोमीटर दिया। तो जस्ट मैंने आपको यही शेयर करना था कि अगर आपके पास ओल्ड मॉडल है तो आप एक दफा न्यू मॉडल लगा के देखें, ना आपकी बाइक गर्म होगी, गर्म बिल्कुल नहीं होगी, बस आपको डिसएडवांटेज जो है वो ये देखने को मिलेगा कि आपकी बाइक जो है ना पीक जो लोग बहुत तेज भगाते हैं एकदम से वो जो है वो थोड़ी सी आपकी डाउन हो जाएगी, लेकिन माइलेज आपको नो डाउट बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इस एक्सपेरिमेंट से, तो बस मैंने आपके साथ यही बातें जो है वो डिस्कस करनी थी। मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।